सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। आई होप आपने अभी तक जो मैंने एक वीडियो अपलोड किया है क्रूड ऑयल के ऊपर, वो आपने देख लिया होगा, मार्केट एनालिसिस वीडियो। ये होने वाला है आपके लिए नेचुरल गैस के ऊपर, पूरा का पूरा डेडिकेट रहेगा नेचुरल गैस को। बड़ी से छोटी टाइम फ्रेम, छोटी से बड़ी टाइम, सब कुछ अपन एनालिसिस यहाँ करने वाले हैं। मैंने जो लेवल मार्क कर रखे हैं वो सारे मैं यहाँ से एक बार हटा लेता हूँ, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, सारे अपन नए लेवल्स मार्क करेंगे, नए तरीके से इसको एनालिसिस करेंगे और मार्केट को एनालिसिस करने का तरीका क्या है साथ ब साथ वो भी अपन जानेंगे, ठीक है? सो सबसे पहले एक बात सुन लीजिएगा, ये जो वीडियो का कंटेंट रहेगा ये ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है। आप इसके ऊपर कोई भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन ना माने, ठीक है? सबसे पहले ये क्लियर कर देता हूँ। एंड वीडियो अच्छा लगे या ना लगे, ये ज़बरदस्ती है कि लाइक कर लीजिएगा, ठीक है? वीडियो बहुत सॉलिड होने वाला है आपके लिए, ठीक है? सो चालू करते हैं। चालू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, इससे पहले क्रूड ऑयल का हो चुका है अपलोड, वो देखिएगा। और भी आप यदि किसी के ऊपर चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर वीडियो का मतलब नाम लिख देना कि किसके ऊपर चाहते हो, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे, ठीक है? आइए सबसे पहले चालू करते हैं कि क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, क्या सीन बना हुआ नेचुरल गैस के अंदर। आप सभी मुझे पता है नेचुरल गैस के बहुत ही ज़्यादा दीवाने हो इसके अंदर ट्रेड करने के लिए, और कंटिन्यूसली मैं लाइव में भी देखता हूँ नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के ही सबसे ज़्यादा इसका बहुमत अपने को देखने को मिलता है कि सभी इसमें ट्रेड करते हैं। सो सबसे पहले इसको देखते हैं इसमें क्या सीन बन रहा है। देखो सीन की बात करें तो सीन तो बहुत शानदार सीन है। देखो मार्केट के पास एक यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये वाला, ये स्विंग है एक। इस स्विंग की बात करूँ तो ये यहाँ से चालू हुआ, देखो इस रेंज से ही मार्केट इसको टच किए बिना ही यहाँ से घुमा है। लगभग आया था इसके पास बट यहाँ से घुमा है, ओके, कोई डाउट नहीं है। अब देखो यहाँ से एक ट्रेन जो जोन बन रहा है मार्केट का, ये एक मैंने लिया, दो, तीन एंड चौथा यहाँ के आ रहा है। अब देखो ऊपर देखा जाए, ये देखो मार्केट लगभग इन्हीं रेंज के अंदर घुमा है। ये एक तरह से चैनल चल रहा है, अभी मार्केट का एक चैनल फॉर्मेशन हो रहा है। ये किसी टाइम फ्रेम में, डे टाइम फ्रेम में, आप सभी को दिख रहा होगा डे टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट क्या कर रहा है, एक जोन के अंदर कंसोलिडेशन। ये लगभग एक रेंज है इसकी, ये नीचे वाली बताता हूँ कौन सी रेंज है, आपको पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए तो घबराइएगा मत, पूरा देखिएगा, लाइक और कमेंट उसमें तो कोई कंजूसी आप करना ही मत। देखिएगा लगभग इसने एक लो बनाया था 160 अराउंड का है, उसके बाद ये वापस से 160 से ऊपर आया। लगभग अभी इसने एक हाई बनाया 237 का, 260 से 237 की इसने रेंज बनाई है। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या रहा है, मार्केट किस स्ट्रक्चर में चला, यहाँ से देखो ये यहाँ से इसने बाइंग क्रिएट करी, फिर मार्केट यहाँ आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर अब ये रेंज बन रही है। लगभग इसकी 193-194 की एक रेंज बन रही है यहाँ से, फिर ये बाइंग कंटिन्यू हुई। यहाँ से यदि बाइंग कंटिन्यू हुई, सुनना, हुई, ऐसा नहीं कि आप बोलोगे सर आपने तो बोला बुलिश था और हुआ नहीं, यदि यहाँ से बाइंग कंटिन्यू हुई तो फिर आपके लिए वो लेवल दूर नहीं जो अपन कब से देख रहे हैं, 277 वाले लेवल दूर नहीं, यहाँ से थी बाइंग चालू हो गई इस बार, क्योंकि मार्केट एक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, एक स्ट्रक्चर में चल रहा है मार्केट जो आपके सामने है, मैं नहीं बना रहा हूँ, मार्केट स्ट्रक्चर बना के खड़ा है, ठीक है? और एक और यहाँ पर एक और चीज़ हो सकती है, वो क्या है देखिएगा, मार्केट अभी जो चढ़ा है ना, अभी का ये स्विंग लो ये है, ये एक स्विंग लो में यहाँ से फिबोनाची मार्क करूँगा, सॉरी पोजिशन लग गई है, इस स्विंग लो से एक नया स्विंग हाई जो अभी बना है रिसेंटली में, इन दोनों को अपन मार्क कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट के ऊपर इस फिबोनाची के अंदर। आप यहाँ देखोगे मैंने ये स्विंग लो लिया, ये स्विंग लो, मार्केट यहाँ से ऊपर आया, ये स्विंग हाई इसने टच किया है, एक स्विंग लो और स्विंग हाई अपन को मिला है। मार्केट अब रिट्रेस के लिए नीचे आया है, किस पॉइंट पर खड़ा है, 0.5 के रिट्रेसमेंट पर खड़ा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट रेंज क्या होती है फेब की, आप सभी जानते हो फेब की 0.5 एंड 0.6 की रेंज सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे महत्वपूर्ण अपने लिए रहती है, तो वहाँ पर अभी मार्केट खड़ा है। ये जोन है लास्ट इसका, बताता हूँ कौन से नंबर पर है वो जोन। यदि यहाँ से भी बाइंग क्रिएट हुई तो एक अच्छा खासा सिग्नल है बुलिश का अपने लिए। लास्ट ये लेवल है 199 का और 5 का रेंज है 197 का, ठीक है? ये दो रेंज अभी निकल के आ रही है, ये फेब के लेवल है, फेब के लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ से बाइंग आ सकती है, जो फेब के फिबोनाची के जो लेवल निकल रहे कि इस रेंज से एक बाइंग क्रिएट हो सकती है, ये जो मैं जोन बना रहा हूँ आपका, यहाँ से बाइंग क्रिएट हो सकती है
बिकॉज यहाँ पर क्या है, मार्केट यहाँ से देखो ऊपर आया, ऊपर आया, ये हाई बनाया, ये 0.5 की 6 की रेंज है, ये यहाँ से इस तरह का एक मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है आपको, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है तो कैसा होगा उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। ऐसा नहीं हुआ तो कैसा होगा भाई, यदि यहाँ से नहीं गया तो क्या होने वाला है, क्या होने वाला है? ऑब्वियसली आप सभी समझ गए होंगे कि मार्केट यहाँ से यदि 0.5 और 0.6 के रेंज को फॉलो नहीं करता है तो मार्केट नीचे आएगा, और इस जो नीचे से इस स्विंग हाई से बाई हुई है, इस स्विंग से बाई हुई है, इस स्विंग से बाई हुई है, तो ये स्विंग है यहाँ कहीं जो 0.7 का लास्ट फेब लेवल है, 0. फेब का एक लास्ट लेवल बचता है 0.7 का रेंज, इस रेंज से बाइंग फिर क्रिएट, यहाँ से पॉसिबल है यहाँ से बाइंग फिर क्रिएट हो, और यहाँ से यदि बाइंग पॉसिबल होती तो ये एक बहुत तगड़ा बुलिश सिग्नल मिलता है यहाँ से कि मार्केट यहाँ से बहुत तगड़ा जाएगा, क्योंकि 7 लास्ट वो लेवल है जहाँ से मार्केट घूमता है, तो वहाँ की जो बाइंग आती है वो बहुत बहुत तेज होती है। ये लास्ट लेवल है 189.9 के आसपास का रेंज है, वही कि 190 के आसपास की बाइंग का रेंज है। अभी मार्केट का जो स्ट्रक्चर ये दिख रहा है आपको डे टाइम फ्रेम के ऊपर, अभी जो मैंने आपको पूरा बताया है, अब इसको मैं लेके चलूँगा कि आपको इसको ट्रेड किस तरह से करना है। अब देखो ट्रेड की बात करें तो आप इस पर मल्टीपल व्यू बना सकते हो, वो है कि आपके ऊपर आप किस तरह का व्यू यहाँ पर क्रिएट करो, किस तरह का व्यू आप बनाओ। फर्स्ट व्यू क्या है, देखो मार्केट यहाँ से इस रेंज को तोड़ता है, मतलब देखो ऑब्वियसली टारगेट तो नॉर्मली, आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, सबसे पहले अवली टाइम फ्रेम के ऊपर एक जो सीन दिख रहा है उससे आपको थोड़ी सी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी कि मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा, अवली टाइम फ्रेम में लगा लेता हूँ, ये तो आपको दिख गया है अवली टाइम फ्रेम, इस तरह का एक सीन है। इसको 4 आवर पर भी लगा सकते हैं तो और अच्छा दिख जाएगा अपने को, 4 आवर 2 आवर पर और अच्छा दिखेगा। ये इस तरह का 4 आवर का सीन है। 4 आवर के अंदर मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से एक चैनल और अपन लगाएंगे, उस चैनल के अंदर ये एक स्विंग है, इस स्विंग को पकड़ूंगा मैं, और ये जो स्विंग है यहाँ वाला, इस स्विंग से अपन कनेक्ट करेंगे। ये ट्रेंड लाइन कनेक्ट हुई अपर साइड के लिए, सेम ऐसा कैसे डाउन साइड के लिए ले चलेंगे, ये स्विंग मैंने कनेक्ट किया, यहाँ का स्विंग लगभग यहीं से बाइंग दिया, देन अब स्विंग कहाँ रहा आपको दिख रहा होगा, मार्केट के पास एक और सपोर्ट लेने का मौका है यहाँ पर, कौन सा, ये वाला, वही के 203 वाला, 203 और 203 ये एक बाइंग एरिया दिख रहा है आपको, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बाइंग एरिया है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है और मार्केट की 0.5 और 0.6 की रेंज का भी इस रेंज में सपोर्ट है, वही के 203 से लेके 197 एक बाइंग रेंज है डिसाइड हो रही है। यदि ये खत्म होती है बाइंग रेंज, यहाँ पर काम नहीं करती है, तो यहाँ से मार्केट आपको नीचे के साइड जाता हुआ दिखेगा, 193 और 187 ये रेंज पर आपको मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये रेंज फेल होती है तो ये टारगेट आपके लिए डाउन साइड के लिए बन जाएंगे। ठीक है, बट यहीं कहीं से जो मैंने बताया 197 और 203 इस रेंज से बाइंग क्रिएट होती है, यहाँ से मार्केट आपको बाइंग दिखाता है, तो फिर ये बाइंग थोड़ी ज़्यादा सस्टेनेबल और काफ़ी लंबी बाइंग देखने को मिल सकती है आपको, यहाँ से आपको ध्यान रखना होगा। बट एक बात पहले ही आपको क्लियर कर देता हूँ, नेचुरल गैस के ऊपर स्पेशली एक लॉन्ग व्यू अभी आप डिसाइड मत करें, क्योंकि नेचुरल गैस एक रेंज के अंदर आपको समझ आ रहा होगा ये पिक्चर, इसके ऊपर लॉन्ग व्यू बनाना या लंबा कोई व्यू बनाना मुश्किल है और थोड़ा ज़्यादा ही मुश्किल है, क्योंकि मार्केट में अपन लॉन्ग व्यू बनाते हैं, जहाँ से अपना लॉन्ग व्यू चालू होने का होगा वहाँ से मार्केट रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ से रिवर्स होगा वहाँ से मार्केट में अपना अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट जाएगा, तो ऐसा अपने को लॉन्ग व्यू नहीं बनाना है। इसको आपको ट्रेड करना है इंट्राडे के हिसाब से करो, ज़्यादा बेस्ट है, इंट्राडे या एक दो दिन का व्यू रखो, ज़्यादा लंबा व्यू लेके इसके अंदर मत चलो, क्योंकि मार्केट की जो भी सिचुएशन दिख रही है उसके अकॉर्डिंग तो नहीं बनता है। देखो बाइंग के लिए बात करूँ तो बाइंग जब तक इसमें एक लॉन्ग बाइंग जब क्रिएट होगी, जब मार्केट 237 के ऊपर निकला है, 237 के ऊपर यदि मार्केट निकलता है उसके ऊपर सस्टेन करता है 1 आवर की कैंडल, जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट कैंडल, वो यदि सस्टेन होती है देन उसके बाद यदि उसका हाई ब्रेक होता है तो मानूंगा कि हाँ मार्केट में बाइंग हो रही है और 277 तक जाने के चांसेस हैं यहाँ से, ऐसा होता है तो देन अभी मैंने आपके सामने इतने शानदार तरीके से लेवल मार्क कर लिए, अब इन लेवल्स को आपको यूज़ करना आना चाहिए कि लेवल किस तरह से अपने को यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ से भी इसने ये देखो ये रेंज फेल होती है तो यहाँ से ऑब्वियसली इस लाइन तक जो ट्रेन लाइन आ रही है नीचे यहाँ तक मार्केट आएगा, और इस ट्रेन लाइन के बाद जो बियर ट्रेप करने की कोशिश कर रही थी यहाँ से इसको बुलिश बनना होगा, तो ये बियर ट्रेप करने के लिए यहाँ तक आएगा 190 तक, उसके बाद यदि यहाँ से बाइंग क्रिएट होती है
तो आपको वही कि कैंडलस्टिक पैटर्न का वेट करना है, कोई अच्छा सा प्यारा सा कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है यहाँ पर, एक बार कैंडलस्टिक बाइंग देगा उसके बाद चार्ट पैटर्न बनेगा कोई अच्छा सा, उस चार्ट पैटर्न को आपको फॉलो करके लंबी बाइंग के लिए देखना है फिर, ठीक है। ये मेरा व्यू रहेगा इस नेचुरल गैस के अंदर। डे टाइम फ्रेम और वन थ्री आवर टाइम फ्रेम लगा रखा है, डे टाइम फ्रेम और थ्री आवर का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ लगा रखा है इसके अंदर, ये मेरा एक व्यू बन रहा है आपके लिए। देन ऐसा आपको पूरा सिनारियो में क्लियर कर रहा हूँ, इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो बताइएगा, उसका भी अपन सोल्यूशन करेंगे। आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, इसको अपन छोटे टाइम फ्रेम वगैरह पे भी एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि ओवरऑल मार्केट आपको एक रेंज में दिख रहा है, ओवरऑल आपको मार्केट एक रेंज में दिख रहा है, तो ज़्यादा इसको उलझने का मतलब नहीं, लंबा व्यू लेके जाने की कोशिश मत करिएगा। देखो यहाँ ये 245 46 47 की रेंज है, यहाँ से सेलिंग आई थी पिछली बार तो ये 160 तक गई थी, अब यहाँ से बाइंग आई है ये 237 तक गई है। अभी मार्केट एक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, इस स्ट्रक्चर में भी एक ये फ्लैग जैसा फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिल रहा है, ये देखा जाए तो ये फ्लैग जैसा फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है। अभी इस फ्लैग में यदि बाइंग होगी तो ये लास्ट लेवल है, यहाँ से बाइंग क्रिएट हो जाएगी और ये लंबा जाएगा फिर, ठीक है। अब मैं तो इसको जब लॉन्ग मेरा व्यू जब बनाऊंगा, जब मार्केट इन दोनों रेंज को ब्रेक करेगा, ये डाउन साइड की रेंज है, ये ब्रेक हुआ छोटा सा रिट्रेसमेंट हुआ, देन इसके बाद ये स्विंग जब निकलेगा, ये स्विंग निकलेगा तो 160 वाला रेंज आपका टारगेट बनेगा। इस स्विंग के बाद यहाँ जो भी लो बनेगा, ये ब्रेकडाउन के बाद जो लो बनेगा उसका स्विंग ब्रेक होगा, तो उसके बाद आपका फर्स्ट टारगेट 177 वाला बनेगा, 177 वाला, 177 के बाद आपका डायरेक्ट 160 का ही टारगेट है जो मैंने आपके लिए नीचे लगा रखा है, 160 वाला ये। यदि डाउन साइड यहाँ से फिसलता है देन यहाँ से ही मार्केट के अंदर बाइंग क्रिएट हो जाती है, इस रेंज जो मैंने ये रेंज बना रखी है यहाँ से बाइंग क्रिएट होती है, तो आपका इसके अंदर फर्स्ट टारगेट इस स्विंग लगभग रहेगा, इस स्विंग का लेटेस्ट जो निकल रहा है वो ये 220 अराउंड का है, ये 220 के बाद यदि ये इसके ऊपर निकला तो एक और ये स्विंग है इसके ऊपर 227 के ऊपर निकलता है तो फिर आपका 237 का टारगेट एटलीस्ट आपको रहेगा, कितना 237, तो अपर साइड 220 227 और 237 और 237 के ऊपर निकला तो फिर 247 और 247 के ऊपर 277 ये टारगेट आपके बुलिश साइड के लिए रहेंगे। देन इसी के बाद डाउन साइड की बात करूं, जो मैंने आपको रेंज दी अभी 197 के नीचे निकला, 193 187 187 के बाद तो 197 और 197 के बाद तो 163 या 160 ये आपके लिए टारगेट यहाँ तक के लिए बनेंगे। तो आई होप आपको ये व्यू क्लियर हुआ होगा, वीडियो का जो मैंने समझाने की कोशिश करी है इसके अंदर वो आपको समझ में आया होगा। इसको आप इसके बाद छोटी टाइम फ्रेम के ऊपर भी ले जा सकते हो, उसके ऊपर भी समझ सकते हो किस तरह से एक रेंज में ही चल रहा मार्केट, कंटिन्यूसली एक रेंज को फॉलो कर रहा है दोनों साइड। आप इसको लगा के आप भी एनालिसिस करने की कोशिश करिएगा किस तरह के स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहे हैं। लास्ट दिन अभी जो फ्राइडे के दिन जो हुआ था इसके अंदर वो क्या हुआ था बताता हूँ आपको। मार्केट ने क्या किया, एक हेड एंड शोल्डर यहाँ पर डिराइव किया था आपको पता हो तो, उसके ऊपर अपन ने ट्रेड भी लिया था सेलिंग का काफ़ी शानदार। मार्केट यहाँ से ऊपर आया, यहाँ पर एक रेंज क्रिएट किया, यहाँ पर ये इस तरह का हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया इसने। आपको समझ में आ रहा है हेड एंड शोल्डर किसे बोलते हैं, पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए। ये इस तरह का एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया इसने, थोड़ा सा देखो सेम आप जिस तरह से बुक के अंदर पढ़े वैसा नहीं बनता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। आप देखो सर हमने तो बुक में पढ़ा था ऐसा नहीं बनता है, आपने ऐसा कैसे बना दिया, तो डिफरेंस चलता है ना, 100 to 100% एक जैसा नहीं होता है। अब देखो मार्केट ने ये स्विंग लो बनाया था, स्विंग लो को ब्रेक किया, देन यहाँ से कितने शानदार तरीके से सेलिंग देखने को मिली अपने को लास्ट दिन, आप देख सकते हो ये 10 पॉइंट की सेलिंग थी। तो ये हेड एंड शोल्डर आप पैटर्न यदि कंसिडर कर पाते तो आपको पता चल जाता कि किस तरह की सेलिंग यहाँ से अपने को देखने को मिलेगी। सो फ्रेंड्स आई होप आपका वीडियो का जो मैं समझाने की जो कंटेंट मैंने दिया इसमें जो मैं समझाना चाह रहा था वो आपका क्लियर हुआ होगा। तो आपको मैंने जो समझा है यदि कंटेंट समझ में आया तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, प्यारा सा मजा आ जाना चाहिए ऐसा कमेंट। सो फ्रेंड्स मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, और सभी अपना ध्यान रखिएगा।